हेलो स्टूडेंट्स दिस इज राहुल पठानिया एंड यू आर वाचिंग बीइंग बायोलॉजिकल दिस इज़ फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स एंड फाइटो हॉर्मोन्स सो वी नो दैट इन केस ऑफ कॉर्डिनेशन इन प्लांट्स द प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो प्लांट होते हैं वो दो तरह की मूवमेंट करते हैं या तो वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगी या वो ग्रोथ डिपेंडेंट होंगी एनिमल्स की जैसे हम बात करते हैं एनिमल्स में दो तरह के हमारे पास कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म थे एक तो हार्मोनल मैकेनिज्म उनके पास होता है जो केमिकल्स होते हैं हारमोन उनके थ्रू चलता है और एक होता है न्यूरल यानी वो नर्व सेल के थ्रू चलता है लेकिन प्लांट्स में बात करें प्लांट्स में न्यूरल मैकेनिज्म काम नहीं करता उनमें नर्व्स नहीं होती हैं लेकिन उनमें ओनली एक ही मैकेनिज्म काम करता है वो हार्मोन्स की हेल्प से होता है केमिकल्स की हेल्प से जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं लेकिन फाइटो हॉमोन्स पढ़ने से पहले हमें जानना है कि प्लांट्स में मूवमेंट कितने तरह की होती हैं तो मेनली प्लांट में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं द वन ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड अदर्स ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स अगर हम बात करें ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स की तो इसमें प्लांट कोई ग्रोथ शो नहीं करेगा इसमें जैसे कि सेल जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के वो श्रिंक करेंगे या स्वेल करेंगे उसी से प्लांट्स में मूवमेंट शो होगी जैसे मान ली कोई सेल हमारा श्रिंक कर गया तो वहां से प्लांट बेंड हो जाएगा मान ली फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल की लाइन है एक हम नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं ये स्टैंड है जिसमें सेल्स लगे हुए हैं अगर ये सेल श्रिंक कर जाता है ये वाला तो क्या होने वाला है प्लांट खुद ब खुद बेंड कर जाएगा तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है जहां सेल्स के श्रिंक होने से या स्वेल करने से मूवमेंट शो हो रही है इससे इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है जैसे आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट के केस में वहाँ पे जैसे हम लीफ को टच करते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती है अपने आप तो वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होती हैं जहाँ सेल के श्रिंक करने से या स्वेल करने से मूवमेंट दिख रही है हमारे को तो ये थी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स अगर हम बात करें ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स की तो ये मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड करेंगी यानी प्लांट के डिफरेंट रीज़न अलग स्पीड से ग्रो करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लिया ये, एक प्लांट का सरफेस है अगर ये साइड कम ग्रो करती है मान ली ये साइड कम ग्रो कर रही है ये साइड ज्यादा ग्रो कर रही है तो क्या हो जाएगा इस साइड से हम बेंड भी कर सकते हैं इसको क्योंकि ये साइड ज्यादा ग्रो करेगी तो इससे बेंडिंग भी हो सकती है या कोई और टाइप की मूवमेंट शो हो सकती है वहां पर तो यह ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होगी जहाँ सेल नंबर ग्रो करेगा अब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं या तो वो ऑटोनोमिक होंगी या पैराटोनिक ऑटोनोमिक मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट जिनको किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है जो अपने आप होती रहती हैं जैसे आपने देखा होगा एक टेंड्रिल मान लिया ये स्टेम है किसी का तो यहाँ पर टेंड्रिल जो क्लाइंब करता है वो किसके अंदर आएगा ऑटोनोमिक मूवमेंट के अंदर आएगा ये होती है प्लांट्स के एपिकल रीजन में स्टेम्स में ठीक है और इन मूवमेंट्स को तो कहते हैं न्यूटेशन तो होंगी, जो किसी के डिपेंड नहीं होगी अपने आप ही होती रहती है, ये. की होंगी, अब ये ऐसी है जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए होंगी एक्सटर्नल स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है चाहे पानी की अवेलेबिलिटी हो या सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो तो इन स्टिमुलस के कारण जो मूवमेंट हो रही है ग्रोथ डिपेंडेंट उनको कहेंगे हम पैराटोनिक मूवमेंट्स प्लेटोनिक मूवमेंट्स खुद दो तरह के हो सकती हैं नास्टिक या या ट्रॉपिक नास्टिक या ट्रॉपिक यहां पे गलत लिख दिया गया है ये नोट्स में यहां बी होगा ट्रॉपिक मूवमेंट्स नास्टिक मूवमेंट होती है नॉन डायरेक्शनल जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है जैसे फ्लार मैच्योरिटी के टाइम ओपन हो जाते हैं उसे कहेंगे हम नास्टिक मूवमेंट तो ये कैसी है नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स होती हैं नास्टिक मूवमेंट्स ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो सेकंड है तो ये डायरेक्शनल पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट होंगी यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करेंगी जिस साइड स्टिमुलस होगा फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट की तरफ जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी की तरफ वैसे ही बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोट्रॉपिज्म ये वाटर की तरफ मूवमेंट करेगा प्लांट थिगमोटोट्रोपिज्म टच की तरफ मूव करेगा कीमोट्रोपिज्म यानी केमिकल्स की तरफ मूव करेगा तो हमने देखा प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट हैं या तो वो ग्रोथ डिपेंडेंट होंगी या ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगी ग्रोथ इंडिपेंडेंट में आएगा कि सेल्स जो हमारे श्रिंक करते हैं या स्वेल करते हैं तो वहाँ से जो मूवमेंट आई उसे कहेंगे हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट लेकिन जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होंगी वो दो तरह की होती है हमारे पास या तो होंगी ऑटोनोमिक या होंगी पैराटोनिक ऑटोनोमिक मूव मूवमेंट्स थी जो बिना किसी स्टूमलस के अपने आप होती रहती हैं उसे कहेंगे ऑटोनोमिक मूवमेंट जैसे प्लांट ओपन हो जाता है मेच्योरिटी के बाद पैराटोनिक मूवमेंट काम करते हैं स्टूमलस के अंडर यानी किसी स्टूमलस की और ये मूवमेंट करेंगी ये डायरेक्शनल भी हो सकती हैं और नॉन डायरेक्शनल भी डायरेक्शनल को कहेंगे हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नॉन डायरेक्शनल कहेंगे हम नास्टिक मूवमेंट्स तो हमने देखा प्लांट में कितने तरह की मूवमेंट हो सकती है अब इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है प्लांट के कोऑर्डिनेशन में वो है प्लांट हार्मोन्स हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स फाइटो यानी प्लांट को ही बोला गया है ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट में पाए जाते हैं तो फाइटो हार्मोन्स की डेफिनेशन देखेंगे फाइटो हार्मोन्स होते क्या हैं ये डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो डिफ्यूज हो सकते हैं एक प्लेस से नेक्स्ट प्लेस की ओर लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होगी ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे ये ग्रोथ नहीं करवाएंगे प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट्स ये प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं विच रेगुलेट ग्रोथ ये ग्रोथ को रेगुलेट करें खुद ग्रोथ का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे डेवलपमेंट को रेगुलेट करेंगे डिफ्रेंशियशन को डिफ्रेंशिएशन क्या होता है जब नए नए सेल बनते हैं डिवीजन के बाद तो उन सेल्स को कोई पर्टिकुलर फंक्शन देना होता है तो उस फंक्शन देने को बोलेंगे हम डिफ्रेंशिएशन एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट यानी प्लांट हार्मोन्स क्या हैं ये केमिकल सब्सटांसिस हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है लेकिन ये ग्रोथ को डेवलपमेंट को डिफ्रेंशिएशन को स्टमुलेट करेंगे उसे कहेंगे हम फाइटो हॉर्मोन्स अब फाइटो हारमोन्स Mainly, दो तरह के हो सकते हैं या तो होंगे ये ग्रोथ प्रोमोटर्स या होंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स दो क्लासेस में बांटा गया है टोटल फाइटो हार्मोन्स पाँच होंगे जिनको दो क्लासेस में बांटा गया है ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स ग्रोथ प्रोमोटर वो फाइटो हारमोन्स होंगे जो ग्रोथ करवाएंगे प्लांट को जवान करेंगे लेकिन ग्रोथ इनहिबिटर वो फाइटो होंगे जो बुढ़ापा लेके आएंगे ग्रोथ को ख़त्म करेंगे उसे बोलेंगे हम ग्रोथ इनहिबिटर तो ग्रोथ प्रोमोटर तीन होते हैं ऑक्सिन्स जिब्रलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स ये तीनों क्या हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं और इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटर्स होंगे तो हम एक एक करके सभी की बात करेंगे तो पहले ग्रोथ प्रोमोटर्स के अंदर हम बात करते हैं ऑक्सिन्स की ऑक्सिन्स वो प्लांट हार्मोन्स हैं जो सेल एनलार्जमेंट करेंगे रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे प्लांट रेस्पिरेशन को बढ़ाएंगे ये सारे काम कौन करेगा ऑक्सीजन यानी ग्रोथ प्रमोट ही कर रहे हैं ये अब रूट फॉर्मेशन में आपको एक बात बता दूं कि जब लेबोरेटरी के अंदर हम कुछ टिश्यूज से प्लांट टिश्यूज से पूरा प्लांट बनाते हैं तो उस टाइम में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रूट फॉर्मेशन के लिए अब लेबोरेटरी के, के अंदर हमने कुछ टिश्यू लिए ग्रोथ मीडियम के अंडर हमने लेबोरेटरी में प्लांट टिश्यू को ग्रोथ मीडिया के ऊपर रखा जिससे अब टिश्यू हमारा डिवाइड करेगा जो स्ट्रक्चर बनता है बोलते हैं हम कैलस। कैलस अब जब कैलस से हमें प्लांट बनाना है तो इस मीडिया में हम क्या देंगे ऑक्सीजन देंगे ऑक्सीजन क्या करवाएगा रूट फॉर्मेशन करवाएगा साइटोकाइनिन देंगे तो वो शूट फॉर्मेशन करवाएगा इससे हमारा नया प्लांट बन जाता है तो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर हमें ऑक्सीजन और साइटोक्रीन प्रोवाइड करने पड़ते हैं ताकि उस कैलस से हम नया प्लांट उसके रूट या शूट बना सकें तो ऑक्सीजन वो ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं जो रूट फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है आपको एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है वैसे ही कि अगर रूट फॉर्मेशन करवानी हो कैलस में तो कौन सा फाइटो हॉर्मोन अच्छा होगा तो वो होगा ऑक्सीजन एग्जाम्पल की बात करें एग्जाम्पल होगा इंडोल थ्री एसिटिक एसिड ऑक्सीजन क्या है एक क्लास ऑफ फाइटो हॉर्मोन है इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें एक एग्जाम्पल है इंडोल थ्री एस्टिक एसिड या आई ए ए इसकी फुल फॉर्म भी की पूछी जाती है नेक्स्ट बात करेंगे हम जिब्र की वह जिब्राइटोहार्मोन है जो स्टेम का इलोंगेशन करवाता है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स स्टेम का इलोंगेशन करवाएगा और ये फ्रूट्स का नंबर और साइज भी बढ़ाता है इसमें एग्जाम्पल आएंगे जी ए थ्री जी ए वन जी टू जिब्रलिक एसिड इसकी खोज हुई थी एक फंगस से जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजीकोराई जिब्रेला फ्यूजीकोराई एक फंगस था एक साइंटिस्ट ने देखा कि किसी गेहूं के खेत में कुछ गेहूं बहुत लंबे हैं लंबे हैं और कुछ बहुत छोटे हैं जब इस लंबे वाले गेहूं का केमिकल करेक्टराइजेशन किया गया तो वहां पे क्या पाया हमारे को केमिकल सब्सटेंस जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था जिसका नाम उन्होंने जिब्रेन रखा क्योंकि वो बरेला फ्यूजिक्राई एक फंगस रिलीज कर रही थी नेक्स्ट देखेंगे हम जो थर्ड ग्रोथ प्रोमोटर है, हैं वो है साइटोकाइनिंस। साइटोकाइनिंस ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेल डिफ्रेंशिएशन में और सेनेसेंस को रोकने में सेनेसेंस क्या होता है बुढ़ापा, यानी प्लांट को ये बूढ़ा नहीं होने देगा तो ये सेनेसेंस को भी रोकता है इसके एग्जाम्पल होंगे जियाटिन एंड काइनेटिन तो ये तीन ग्रोथ प्रोमोटर थे कौन कौन से ऑक्सिन जो रूट फॉर्मेशन करवा रहा है जिब्रलिन जो स्टेम का इलांगेशन कर रहा है फ्रूट का नंबर बढ़ा रहा है और साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेकंड ये शूट फॉर्मेशन करवाता है इन सभी के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं अब बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की ग्रोथ इनहिबिटर की बात देखें तो फर्स्ट है इथाइलिन ये एक गैशियस फाइटोहार्मोन है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाता है कि फ़ाइटो हॉमोन्स में से गैशियस कौन सा है गैस फॉर्म में कौन होता है वो है इथाइलिन ये हेल्प करता है फ्रूट्स को पकाने में आपने देखा होगा कच्चे फ्रूट्स तोड़ ले जाते हैं उनको पैक करते हैं एक केमिकल के साथ वो केमिकल कौन होता है इथाइलिन जो उन फ्रूट्स को पका देता है तो ये सेनेसेंस भी प्रमोट करता है यानी प्लांट को बूढ़ा करेगा पकना क्या होता है बूढ़ा होना ही होता है उसकी मेच्योरिटी आ रही है यानी तो यानी इथाइलिन ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करेगा और ये गैशियस हार्मोन है इसका एग्जांपल इथाइलिन ही होता है ये खुद ही एक एग्जांपल है फिफ्थ जो फाइटो हार्मोन है वो है ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं डॉर्मिन भी कह सकते हैं या ए बी ए भी कह सकते हैं ये तीनों नाम से जाना जाता है इसको आप याद रखेंगे क्वेश्चन पूछते हैं टेंथ में कि कौन सा फाइटो हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है तो वो है एब्सिसिक एसिड ये विल्टिंग यानी प्लांट्स का मुरझाना सेनेसेंस यानी बुढ़ापा लाना एबशीशन यानी पत्ते या डालियों को तोड़ देना प्लांट से तो ये उन सभी को प्रमोट करता है और अगर ज़मीन में पानी की कमी हो तो ट्रांसप्रेशन को भी कम करने में हेल्प करता है विद हेल्प ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा स्टोमेटा को ये क्लोज कर देगा जिससे ट्रांसप्रेशन कम हो जाएगा यानी लॉस ऑफ वाटर वेपर्स कम हो जाएगा ये कब होता है जो ज़मीन में पानी की कमी हो जाए तो उस टाइम में एफसिसिक एसिड काम आता है तो ये थे हमारे प्लांट हॉर्मोन्स एक बार फिर से इनका रिविज़न कर लेते हैं हमने कहा फाइटो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटांस हैं जो न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं देते हैं लेकिन ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे ग्रोथ करवाएंगे ये डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करेंगे या एनवायरमेंट को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करेंगे ये दो कैटेगरीज़ में होते हैं या तो ग्रोथ प्रमोटर होंगे या ग्रोथ इनहिबिटर होंगे ग्रोथ प्रोमोटर में आते हैं तीन हार्मोन ऑक्सिन जिब्रलिन और साइटोकाइनिन और ग्रोथ इन्हीविटर में आते हैं इथाइलिन एंड एपसिसिक एसिड जो ऑक्सिन है वो रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेल एनलार्जमेंट में काम आएगा प्लांट की रेस्पिरेशन बढ़ाएगा एग्जाम्पल है इंडोल एंडोल थ्रीएसटिक एसिड जो जिब्रलिन है वो स्टेम का इलॉन्गेशन करवाता है स्टेम लीव में ग्रोथ करवाता है फ्रूट का नंबर और साइज़ बढ़ाता है एग्जाम्पल जी ए थ्री जी ए वन जियो टू साइटो काइन सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे सेल डिफ्रेंशियशन में हेल्प करेंगे और सेनेसेंस को रोकेगा इसके एग्जाम्पल हैं जियाटिन एंड काइनेटिन इथाइलिन एक गैशियस हार्मोन है और एक ग्रोथ इनिवेटर होता है जो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है सेनेसेंस को बढ़ावा देता है एपसिसिक एसिड ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है या डॉर्मिन कह लो या ए बी ए कह लो ये विल्टिंग सेनेसेंस या एपसीशन को बढ़ावा देगा और एक ट्रांसपरेशन को भी रोकने का काम करता है बाय स्टॉप क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा तो ये थे हमारे फाइटो हारमोन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हारमोन्स इन एनिमल्स होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इन सभी नोट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें और रिविजन करते रहें थैंक यू हैव ए नाइस डे